अब क्या हुआ? मूवी हुई। कितना डेट करोगे अर्जुन और तुम? और आयान। और डेट नहीं है। आयान को बीच में से गायब कर दे, फिर ये डेट ही हो जाएगी। मैं मारूंगी दो और गिनूंगी एक। हाँ, इसलिए कहा था मैंने प्रेम को कि आपको स्कूल भेजे, कम से कम गिनती तो आती। आउच, होमवर्क कर ले। कल मैथ का एग्जाम है तेरा। बेटा इस बार तू फेल हुआ ना, ये प्रेम सुमन तेरे पास सब निकाल दूंगी। मैथ्स नहीं, अकाउंट्स का एग्जाम है। सेम टू सेम, जैसे अर्जुन तेरा बॉयफ्रेंड नहीं बेस्ट फ्रेंड है। बाय। अर्जुन, बहुत टाइम हो गया। अर्जुन, I'm so sorry, मैं लेट हो गई। I'm sorry. What's up? Hello. क्या हेलो, मेले में आया है? चल ठीक है। एक लास्ट मौका दे रहा हूँ, मुझे ऐसा लड़का है तुझे मिलेगा नहीं कभी। बेशरम, थोड़ी तो शर्म कर। बच्चों, ए बच्चों, हम मूवी देखने चले, गोल्ड क्लास हमारा इंतजार कर रही है। गोल्ड क्लास? अर्जुन तूने चोरी किया ना? यही प्रॉब्लम है तुम जैसे छोटे लोगों की। यार ट्रस्ट वस करते नहीं हो यार, जब अच्छा काम करते हैं ना बॉस लोग पर्क्स देते हैं। तुम क्या समझोगी मलखानी की चुसी हुई मक्खी? चलो गोल्ड क्लास। For you. Soft and mushy? So soft. Gold class. खाओ। खिलाओ। भाई, हाँ? तूने ये वाली एड देखी क्या? कौन सी? ये वाली। माया? 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 तेरी बॉस? बहुत हॉट है यार। अबे चुप। आओ। क्या हुआ है? घबराइए, माया हुई है। इसके बारे में जब भी कुछ भी सोचो ना, ये उल्टा कर देती है। अगर इसने यहाँ देख लिया ना, तो वाट लग जाएगी। एक काम करते, सारी मूवी यहीं से देखते हैं, ओके? प्लीज। ये हम दोनों के साथ इस तीसरे का होना जरूरी है क्या? मैं आप उन्हें जानती है ना। It's better to be safe than sorry. What will you have to? No babe. Tea, coffee. Interval. Popcorn. No. Interval. Come. अरे मैडम वहाँ पे नहीं, यहाँ पे बैठिए। आपकी जगह यहाँ पे। हमारी गोल्ड क्लास टिकट्स है। अरे मैडम गोल्ड क्लास का तो खाली जैकेट है, असली माल तो इधर है। यहाँ पे बैठिए। मुझे दो गोल्ड क्लास की टिकट्स ला कर दो। अरे मैडम हाउसफुल है, हम वहाँ नहीं बैठेंगे। माया छोड़ो ना, हम यही बैठ जाते हैं। नो मैम। देखिए मैडम जल्दी से यहाँ पे बैठ जाइए, अभी शो शुरू होने वाला है। चलो। नो बेबी, मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिताना है। आगे बैठे पीछे बैठे कुछ नहीं होता। भरोसा नहीं है मुझ पे। छोटे लोग हाँ? इडियट, देखो शर्म नहीं आती अर्जुन, अगर माया को पता चल गया तो वाट लग जाएगी। वाट? देखो बुरा सपना याद है ना, मेरा रियलिटी शो बन जाएगा। है ये इम्पॉसिबल भाई, ये तो साक्षात हॉटनेस की देवी है। भोली भोली सूरत, हॉट हॉट मूरत। अबे ओए चुप, चलते हैं यहाँ से। चलो। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ से निकलेंगे तो उसके सामने से जाना पड़ेगा ना, तो जब तक ये मूवी खत्म नहीं होती तेरा टॉर्चर झेलना पड़ेगा डफर।
अबे पागल है क्या, मरवाएगा? ले पॉपकॉर्न खा। भाई चलो ना, मेरी हॉटनेस की देवी जा रही है। रखो ना माया की याद में। माया की याद नहीं, माया का साया। चलो चलो। क्या बात है यार, ऑफिस तो अपना ही लग रहा है, इतनी चेकिंग क्यों हो रही है? कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा है क्या? यार जब से तुम यहाँ आए हो ना, तब से यहाँ कुछ ना कुछ हो ही रहा है। आगे बढ़। राम प्रसाद क्या हो रहा है सब? अरे ये तुम्हारी करतूत है क्या? कौन सी? अरे ये चोरी वाली, माया मैडम के ऑफिस में चोरी हुई है, तुमने की है क्या? चोरी? मैं तेरे से बात नहीं कर रहा हूँ यार, तू सामने देखो मुंडी हिला, तुमने की है क्या? इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। बुरे दिन तो उसके आए हैं जिसने चोरी की है। माया मैडम ने कहा है कि सबकी तलाशी लो, सबका सब कुछ। चल आगे बढ़। शर्ट निकालो। Naughty boy. सबके सामने ऐसे बात नहीं करते। ओके रहने दो, चोर का पता चल गया। कॉन्फ्रेंस रूम 5 मिनट्स। Yes, talk to me. Guess कर कि मुंबई कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? Dimple. Dimple? वो pimple वाली dimple? School वाली? Simple वाली dimple, जिसका नाम तूने पूरे स्कूल में बदनाम करके रखा था। कभी कभी मैं भी अच्छे काम कर लेता हूँ, बट ये बताओ वो मुंबई यहाँ करने क्या आ रही है? उसे तो लुधियाना भेज दिया था ना। उसकी शादी हो रही तो शॉपिंग करने आ रही है। कहा था ना लूजर है वो, उसे लड़कियाँ दुकान पर नहीं मिलने वाले। In fact, उसे लड़के कहीं पर भी नहीं मिलने वाले। Oh, shut up. वो उसकी शादी की शॉपिंग करने आई है, इसलिए मैं जा रही हूँ उसके साथ शॉपिंग। अच्छा, तो आज मेरी ऑफिस में छुट्टी छुट्टी छुट्टी। तुमने उसके लिए ऑफिस बंक की है? क्या बात है, मेरे लिए तो कभी बंक नहीं किया तुमने ऑफिस। लिसन, वो मेरी दोस्त है एंड शी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके हाँ, बहुत अच्छी दोस्त है। याद है स्कूल में तुम्हारे और मेरे बीच कितनी लड़ाइयाँ करवाती थी? आई हेट दैट पीपल। तुम उससे दूर रहो। अर्जुन तू कब बड़ा होगा, कब तुझ में अकल आएगी? जब तू उस पिंपल से दूर रहेगी। एनीवेज तेरे को एक गॉसिप दूं, माया के ऑफिस में चोरी हुई है। बॉस मानना पड़ेगा उस चोर को, शेरनी के मुंह में हाथ डाल के चोरी की है। एनीवेज वो शेरनी मेरा वेट कर रही होगी, मैं निकलता हूं। और हाँ, तू उस पिंपल से दूर रहियो। ओके बाय। फैशन इन द सिटी में पहली बार चोरी हुई है, इसलिए मैं आप सबको आखिरी मौका दे रही हूं। जिसने भी चोरी की है अपने आप सामने आ जाए।
तुमने की है क्या चोरी? फाइन, किसी के छुपाने से सच नहीं छुपता। प्रिया। यस मैम। What? Tickets तो है। वैसे भी रिया ने कहा था कि माया मूवी नहीं देखती है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। चल झूठी। रिया ने कहा था कि आप मूवी नहीं देखते हो। Except कल रात। कल रात माया मूवी देखने गई थी। Listen, I'm really sorry, but राम प्रसाद। जी मैम। पुलिस को बुला। पुलिस? लोगों को पता चलना चाहिए कि इस ऑफिस में चोरी की क्या सजा होती है। ऐसा क्यों कर रही हूँ माया? माया, इसके लिए पुलिस? कम ऑन, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मूवी टिकट्स तो थी बस। चोरी चोरी होती है। नहीं लेकिन माया, मैंने चोरी कहाँ की है? मैंने टिकट्स रिप्लेस किए, गोल्ड क्लास से जगह जनता क्लास, और मुझे क्या पता था कि तुम पीछे रखने जाओगी। और तुम्हारे इससे खुश रहनी, मैंने लिमिट्स में दिक्कत क्या है? मतलब वैसे तुमने आज तक पिक्चर हॉल के अंदर से शक्ल भी ना देखी हो, बट कल पता नहीं अचानक से तुम्हें शौक चढ़ गया पिक्चर देखने का। इसमें मेरी क्या गलती? आप बताइए। और वैसे भी मैंने चोरी करने के लिए चोरी नहीं की थी, चोरी करने वाले की नियत देखते हैं। अब जैसे तुम्हारे किशन घर है, वो भी तो चोरी करते थे, उन्हें कोई चोर कहता है नहीं ना? तुम्हें लॉ नहीं छोड़ना चाहिए था, आर्ग्यूमेंट अच्छे कर लेते। जब पुलिस आएगी तो उन्हें चोरी और नियत के बीच का डिफरेंस समझा देना। मैं जानता हूँ तुम्हें उस जनता क्लास में टाइट सी सीट में बैठकर पिक्चर देखनी पड़ी। I'm sorry, but उसके लिए पुलिस? Look, मैं जानता हूँ तुम मुझे सबक सिखाना चाहती हो, right? तो सबक सिखाओ ना, मुझे पनिशमेंट दो, मुझे पनिश करो, कोई भी पनिशमेंट चलेगी। एक टांग से खड़ा कर दो, एक दिन की सैलरी काट दो, या फिर ऑफिस से बाहर निकाल दो। जो कहोगी मैं करूंगा। पता है बचपन में ना मेरे डैड मुझे बाथरूम में बंद कर देते थे। बहुत सारे तरीके हैं पनिश करने के, सबक सिखाने के, कुछ भी करो, लेकिन प्लीज। फाइन, नो पुलिस। थैंक यू, आई मीन थैंक यू। बताओ मुझे क्या करना है। जो कहोगी मैं अभी के अभी करूंगा, बोलो। प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। तुम्हें 6 घंटे बाथरूम में बंद रहना होगा। गुड वन। और लोग कहते हैं तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर है नहीं। सीरियसली बताओ क्या है? सीरियसली बाथरूम में रहना? बाथरूम या फिर लॉकअप, चॉइस इज योर्स। डिंपल की बच्ची, तू जब तक यहाँ है ना तो यहीं रहेगी, और वो है तेरा बेड। अब गले तो लग जा। कैसी है? एकदम ठीक। ओए ओए, ये लफंटर, ये अभी तेरा दोस्त है? ए लफंटर नहीं है, अर्जुन ने ना फैशन एंड द सिटी ज्वाइन कर लिया है। वहां पर वो फोटोग्राफर है और इतनी मेहनत करता है ना, टैलेंट तो कूट कूट के भरा है। हाय दब्बा, उसकी बात पे बड़ा तेरे अंदर का लॉयल लपक रहा है। सुन, कहीं तेरे और अर्जुन के बीच कुछ सीरियस तो नहीं हो गया? सीरियस? तू ना हमेशा बस बकवास ही करती रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं और अर्जुन बस अच्छे दोस्त हैं,
हाय रब्बा, फिर वही सेम डायलॉग। ऐसी दोस्ती तो ना रब सबको दे कि दोस्त का नाम लिया नहीं अब पूरा चेहरा लाल। अच्छा सुन, आई लव यू हुआ, तूने ट्राई किया? उसने नहीं, तो किसका वेट कर रहे हो? सही टाइम का वेट कर रहे हैं। माया, लिसन, 6 घंटे कौन बंद करता है? मैं बच्चा हूँ, बाथरूम बंद कर। बाथरूम या लॉकअप? ओके माया ठीक है, बट 6 घंटे 6 घंटे बहुत नहीं हो गए? अगर पुलिस को पता चल जाए कि तुमने एक बच्चे को बाथरूम बंद किया तो लॉकअप में डाल। बच्चे नहीं। ओके फाइन, 1 घंटा, चलो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 6 घंटे। ना 1 मिनट कम, ना 1 मिनट ज्यादा। राम प्रसाद जी मैम, फोन ले लो। और अगर इस ऑफिस में किसी ने भी अर्जुन की मदद करने की कोशिश की तो यहाँ पर उसका आखिरी दिन होगा। What? और इस इंडस्ट्री में उसका आखिरी जॉब। सर जी चलिए फोन। 100 रुपये ले ले। फोन। 200। फोन। 300। फोन। फोन। चलिए बादल गरजेंगे, हवाएं उड़ेंगी और हल्का सा ना बैकग्राउंड में म्यूजिक होगा। ऐसा ना कुछ नहीं होगा यार, ये फिल्मी पंती तेरे मम्मी पापा में भर भर के नहीं है जो अब तू भी शुरू हो गई। देख ये राइट टाइम साइड टाइम ना कुछ नहीं होता, जिस टाइम काम हो जाए ना बस वही टाइम राइट टाइम है। और वो थोड़ा ढीला है ना तो तू टाइट हो जा, वरना तेरा ये अर्जुन ना किसी और मेंका के साथ भाग जाएगा। ट्राई करके तो देखे, उसे बाथरूम में ना बंद कर दूं मैं। राम प्रसाद पीता खोल। तब तक मैं अपने बाल बनाता हूँ और माया का पूरा बाथरूम तबाह करता हूँ। स्टार्ट फ्रॉम हो गया। अबे दरवाजा तोड़ रहा हूं, मेरे अंदर का दया जागने वाला है, मैं दरवाजा तोड़ने वाला हूं। ओके, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, मैं दरवाजा तोड़ने वाला हूं। 1 2 राम प्रसाद राम प्रसाद सॉरी माया, दरवाजा खोलो। माया दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। भाग माया भाग, भाग, भाग माया भाग, भाग, भाग माया भाग, भाग, भाग माया, भागो माया, भागो माया, भागो माया। अरे खोलो। खोलो यार, मुझे सब समझ में आ गया। माया, सबक जितने जल्दी सीखा जाए उतना ज्यादा फायदा देता है। फायदे का तो पता नहीं मैम, बट आई एम श्योर बाथरूम में बंद रहकर अर्जुन सबक जरूर सीख गया होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.